सवा से 1.5 लीटर दूध है, तो इसको अभी बॉईल होने रख दी हूँ। अभी अच्छे से बॉईल होएगा। 15 से 20 मिनट हो चुकी है और ये दूध अच्छे से सूख चुका है। अभी और पकेगा ये। अभी इसमें इलायची डल चुकी है। अभी इसको और पकाएंगे और फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसको और पकने देते हैं अभी अच्छे से। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ठीक हो चुकी है और इसमें शुगर ऐड हो चुकी है। अभी और पकेगा। अभी इसको और 15 से 20 मिनट और लगेगा पकने के लिए। ये देखिए, रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए, रबड़ी रेडी हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए। अब ये गर्म है थोड़ी बहुत, थोड़ी देर में इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडी होने के बाद। आप भी इसी तरीके से बनाइए। तो ये स्लाइस में कट कर चुके हैं। इसमें जाएंगे ये मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, बेसन, थोड़ा सा फूड कलर, चाट मसाला भी है और जाएगा चाट मसाला। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लूँगी।
बाकी फ्राई हो रहा है और ये फ्राई हो चुका है। और है ये चिकन का सालन, अभी इसमें कोथमीर ऐड करेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से बटाटा और बैंगन फ्राई कीजिए।